हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बनारस का बहुत ही खूबसूरत पार्क दिखाने वाली हूँ। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। हम लोग भी वहाँ गए घूमे और फिर वहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई हैं, आप जाके हमारी इंस्टा आईडी पे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। तो पार्क जाने से पहले बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे, तब तक हम लोग चले जाते हैं। हमारे कॉलोनी में एक सुपर मार्केट है, वहाँ से कुछ किचन का सामान लेना था वहाँ पर, तो दोनों बहनें हम लोग आए हुए हैं। और स्पेशली मेरी सिस्टर को गाँव ले जाने के लिए गर्म मसाला चाहिए था, सो उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से हर चीज़ का छोटा छोटा ये पैकेट वाला खड़ा गरम मसाला जहाँ यूज करना है उसके लिए हम लोगों ने ये वाला लिया है पैकेट वाला, और एक ही मिक्स गरम मसाला लिया है जिसको पीस के डब्बा में रख देंगे। तो ये इसको पाउडर बनाने के लिए ये रहेगा, बाकी जो पैकेट वाला है वो खड़ा यूज करेंगे किसी भी सब्जी वगैरह में। तो फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं पार्क में। इस पार्क का नाम है राज नारायण स्मारक पार्क। अभी ये एक साल हुआ, नया ही बना है। फिर यहाँ पर हम लोग एंट्री फीस ले टिकट लेते हैं, इसकी फ़ीस 10 रुपया पर पर्सन है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं यहाँ से एंट्री टिकट। पहले ये फ्री था लेकिन अब यहाँ टिकट लग गया है। उसके बाद ये देखिए पार्क के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है सुना था। सो तो ये देखिए यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए, काफ़ी इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं। यहाँ देखिए इसको हम लोग झूला बैठा रहे, बट ये रो रहा था, बहुत डर रहा था, लेकिन लो ने काफ़ी मस्ती की। यहाँ पे ये देखिए ये लोग झूला झूल रहे हैं, लो और श्रेया। तो ये जो चीज़ें हैं पार्क के अंदर है, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं लगती है। यस देखिए पीछे से गया, गिर गया। और उसके बाद यहाँ पे पेड़ वाले भी झूले, यहाँ पे देखिए सारे झूलों का रेट लगा हुआ है। किसी भी झूले को 50 रुपया टिकट है, पेड करके झूल सकते हैं इधर वाले। और जो उधर लगे हुए हैं वो फ्री वाले हैं। यहाँ पर देखिए यस को इस वाले पर झूल लेता है, तो यहाँ पर इसका टिकट कटाया गया। और ये देखिए बाकी सभी लिए कितना बढ़िया व्यू है पार्क का, बहुत सुंदर लग रहा है। और मौसम भी अच्छा हो गया था, हम लोग शाम में गए हुए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों की भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि बच्चों लाइक ही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा। अभी जो भी झूले यहाँ लगे हुए हैं बच्चों वाले ही हैं, बड़ों के लिए नहीं है, बहुत कम है। ये देखिए कुत्ते भी इंजॉय कर रहे हैं इस पार्क में, और ये देखिए सारे बच्चे कैसे झूला झूल रहे हैं। उसके बाद ये देखिए यस को उस झूला पे बैठाया गया जंपिंग वाले पे, तो वो उस पर झूल लेता है, बट पता नहीं क्यों आज डर रहा था इसलिए। ये देखिए यस बाहर खड़ा हुआ है, बाहर निकल गया, टिकट उसका ले लिया गया था। फिर श्रेया को भेजा गया कि जाओ तुम झूल लो। ये पूरा व्यू है पार्क का, ये बहुत बड़े में है। उसके बाद लव और श्रेया इस वाले झूले पर झूलते हैं, और श्रेया बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन लव बोल रहा था कि नहीं मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद यश ने बस इस पार्क में मस्ती की, घूमने खेलने कूदने में उसे मज़ा आया। झूले में तो उसे डर लग रहा था, बट उसे पार्क में खूब खेला, उसे जगह मिली थी खेलने के लिए। देखिए इन लोग को देख रहा है घूम घूम के कैसे। उसके बाद ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, झूला बच्चे झूल चुके हैं। तो ये देखिए इधर बैठने के लिए भी जगह बना हुआ है, इधर ग्रीन ग्रीन घास है, थोड़ा सा ऊंचे पे है। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलिए दिखाते हैं कि क्या है। ये देखिए पूरे का पूरा पार्क है और जगह जगह से ये रास्ते बने हुए हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्क में, आगे की तरफ पीछे के साइड। तो ये देखिए इस तरह से थोड़े से ढलान पर है, सीढ़ी है, थोड़ा नीचे से उतर रहे हैं। और पीछे साइड में ना बोटिंग की सुविधा है, और किनारे किनारे क्या बोलते हैं तालाब टाइप का पॉन्ड है। तो ये देखिए यहाँ पे ये टॉय ट्रेन भी है, आगे भी थी। यहाँ पे पैडल बोटिंग के लिए 100 रुपये टिकट है इसके अंदर। ये देखिए चारों तरफ ना यू शेप में है, ये जो तालाब है यू शेप में है, इधर से होके और बीच में सारी जगह है, पूरे गोल में घूम के इधर से आई हुई। देखिए 100 रुपये हम लोग, फिर ये बीच से ये रास्ता गया हुआ है, ये तालाब के बीचों बीच ये जगह बनी हुई है इस तरह से, किनारे किनारे है और बीच में इस तरह से है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्मारक है जिनके नाम से ये पार्क है उनका। और ये देखिए ऐसे गोल घूम के दूसरे साइड में जैसे यू होता है वैसे ये पार्क, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है, एकदम शांति। ये पार्क देखिए ये इसी में बोटिंग कराते हैं लोग, और इसके ना किनारे किनारे भी जगह आगे जा सकते हैं। आगे ब्रिज है लेकिन हम लोग उधर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई। देखिए उधर आगे ब्रिज दिख रहा है, तो हम लोग बीच में ही घूम लिए, किनारे से भी घूम सकते हैं क्योंकि हम लोग को अगले 2 दिन बाद तीज आने वाली थी, तो तीज की शॉपिंग करना था। तो हम लोग फिर शाम हो गई है, बच्चे भी साथ में हैं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब बहुत बच्चे खेले कूदे और पूरा व्यू दिखा दिया हमने, लेकिन हर जगह नहीं जा पाए। फिर वहाँ से हम लोग वापस जाते हैं। ये देखिए यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा अच्छा बना था, जगह जगह से इस तरह से रास्ते बने हुए थे।
और देखने में चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और व्यू शाम हो गई तो इसका व्यू और बढ़ गया, बहुत ही खूबसूरत हो गया जब लाइट्स वगैरह जली। यहाँ पे ये देखिए अब हल्की हल्की शाम हो गई है, लाइट्स जलने लगी है, तो उसके बाद का ये व्यू है। और जैसे जैसे शाम बढ़ी है ना, यहाँ का भीड़ जो है बढ़ने लगा है। जो आसपास के लोग होंगे वो लोग आए होंगे, हमारे यहाँ से भी ये बहुत दूर नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर है ये पार्क। आराम से ऑटो मिल जाती है या फिर अपने साधन से हम लोग आ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग ऑटो से ही आ गए थे। उसके बाद ये देखिए बच्चे फिर से झूला झूलने लगे वापसी में, लोग तो मतलब मान ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर ये देखिए यश को, इसको दौड़ने में यहाँ मज़ा आ रहा था, हरी हरी घास पे, या फिर उसको जगह मिला हुआ था पूरा घूमने के लिए। उसके बाद जैसे हम लोग वापस आते हैं फिर से लव लग जाता है झूला झूलने में, श्रेया झूल रही है, इन लोग को मज़ा आ रहा था। और इसको तो करना ले जाया जाए, लव को तो रात भर झूला झूलेगा। अब लोग बुला रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो इस तरह से ये लोग झूला झूले। फिर कहते कुछ खाते पीते हैं, सबको थोड़ी भूख लगी तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। बस यहाँ एक ही स्टॉल लगा था और फुल पानी के बतासे थे, फूल की जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, और चाट यही सब था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पानी के बतासे मंगाते हैं और इस तरह से बच्चों के लिए मीठे वाले। ये देखिए ये वाला है, कुछ खास नहीं था लेकिन काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे बाहर की मार्केट्स के अकॉर्डिंग इनके यहाँ। इस तरह से ये हम लोग पानी के बतासे खाते हैं। ये देखिए दो डबल ट्रिपल यहाँ दाम था, मतलब जो भी बाहर मार्केट के अकॉर्डिंग। फिर भी हम लोग खाते हैं कि चलो टेस्ट करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं, तो ये देखिए बच्चों का काफ़ी खुश हैं ये लोग, इन लोग को मज़ा आया। ये देखिए राइडिंग के लिए छोटी छोटी बाइक्स लगी हुई हैं, तो लव का इधर भी मन है। बट अब हम लोग को हो रहा है लेट, 7 बज चुके हैं, 7:30, अभी मार्केट में जाना है, काफ़ी भीड़ है। फिर हम लोग रास्ते में आते हैं तो हैंडीक्राफ्ट की यहाँ चीज़ें मिलती है, तो यहाँ से कुछ सामान लेते हैं। एक मैसर लेते हैं, छोटे छोटे चौकी बेलन बेच रहे थे खेलने वाले, तो यस और लव दोनों लेते हैं। और वो खस्ता ठुकवा बनाने वाला सांचा हम लोग यहाँ ख़रीदते हैं। उसके बाद जाते हैं तीज का जहाँ सामान लेना, तो हम लोगों ने ये पूरा चढ़ाने वाला सामान लिया है, सिंगार का ये कंगन और जो भी है हम लोगों ने यहाँ लिया है। यहाँ भी काफ़ी टाइम लगा और यस यहाँ इतना रोने लगा और पता नहीं क्यों भीड़ से, और फिर थक भी गया था। उसके बाद ये देखिए तीज के लिए और भी मार्केट बहुत अच्छी सज गई थी, जहाँ पूरे सिंगार का सामान और इस तरह से मिट्टी की मूर्ति मिल रही थी पूजा करने के लिए शंकर पार्वती जी के, तो ये सब हम लोगों ने ख़रीदा। उसके बाद फिर होता है कि इधर से डिनर करके चला जाए, सब कुछ वो डोसा खाना था, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में चलते हैं यहाँ पे। और यस यहाँ पे रोते रोते सो गया है, तो थोड़ी दूर हम लोग पैदल आते हैं, 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अंदर आते हैं डोसा ऑर्डर करते हैं। लेकिन ये डोसा इतना बकवास था, हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा खट्टा मतलब था। इसका बैटर जो ऊपर का वो है ये डोसा जो है, और उसके बाद राइस खाना था, मेरी सिस्टर राइस ज़्यादा पसंद करती है, तो फिर हम लोग यहाँ ना वेजिटेबल बिरयानी मंगाते हैं। एंड फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर बनारस में रहते हैं आपने ये पार्क नहीं घूमा तो वहाँ ज़रूर जाइए, बच्चों को लेके जाइए। सो इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।